नेस्ले इंडिया अच्छा है क्योंकि उसके मालिक को हम नहीं जानते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अच्छा है क्योंकि हम उसके मालिक को नहीं जानते हैं। कोको कोला पेप्सी अच्छे हैं क्योंकि हम उनके मालिकों को भी नहीं जानते। वोडाफोन अच्छा है, उसके सेठ को भी हम नहीं जानते। वीवो सैमसंग नोकिया अच्छे होंगे क्योंकि उनके सेठों को भी हम नहीं जानते हैं। रामदेव बाबा चोर है, मुकेश अंबानी चोर है, गौतम अडानी चोर है, टाटा बिरला सब चोर है। नई संसद का ठेका टाटा को कैसे मिल गया? सोलर का ठेका चीन की जगह अडानी को कैसे मिल गया? भारत के सब सेठ तो चोर होते हैं, है ना? क्योंकि ये हमारे अपने देश के हैं और हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह दृष्ट दोष नहीं है, यह गुणसूत्र का मामला भी हो सकता है। गुणसूत्र हमारे खून में ही है। जो ना दिखे वो अच्छा, जो दिखे वो तो हम जानते हैं वो कैसे अच्छा। इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है क्योंकि वामपंथ ने इसे हमारी मानसिकता में गुणसूत्र तक जो घुसा रखा है। हमारी चेतना से आत्मगौरव विषमृत करने में कितना पुरुषार्थ लगाया है, लेफ्ट लिबरल ने इसकी हमें कल्पना तक नहीं है। तभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई आधार पूना वाला कोरोना की वैक्सीन बना सकता है। वेंटिलेटर महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बना सकता है। कोरोना में तो करोड़ों की मौत होनी थी ना, क्या था हमारे पास? ना पीपीई किट, ना N95 मास्क, सब कुछ तो विदेश से आना था। फिर इस भारत ने 150 मुल्कों तक कैसे कार्गो भर भर कर दवाइयां, मास्क, पीपीई किट, सहायता भिजवा दी। अरे ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के 190 मुल्क भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं? अरे सीरम के पूना वाला को बिल गेट्स ने वैक्सीन के लिए $300 मिलियन, हाँ आपने सही सुना, 22.5 अरब रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं। पूना वाला ने खुद 19 अरब इस टीके पर खर्च कर दिए हैं। पूना वाला तो मोदी का दोस्त है, मोदी फैक्ट्री में गए क्यों थे ये सब समझ में तब आया और हमें लगा कि वो सच में गड़बड़ है। इस इकोसिस्टम को समझिए, भारत अब लाचार मुल्क नहीं रहा है, नया भारत है। ये समस्याओं को टालता नहीं, उनका सामना करता है, आपदा को अवसर में बदलता है। आत्मनिर्भर भारत आपको मजाक लगता है तो उड़ाइए मजाक, बजाइए डफली, लगाइए नारे, भारत की बर्बादी तक जंग के मांगिए आजादी, काटिए चिकन नेक, बनाइए बरसी। गुणसूत्र डीएनए याद रखिएगा, जब तक वो ना बदलेगा हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। और इस समय हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं जहां हमारी विचार होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह आपको झंझोड़ देगा। उम्मीद करता हूं कि एक नई सोच फिर बाहर आएगी जो देश की होगी, जो आज की आवश्यकता है। धन्यवाद।